सहरसा जिला के सत्तर कटैया प्रखंड अंतर्गत रखिया पंचायत के मकुना गांव में बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन में लगी धान की फसल की क्षति हुई है। श्री कृष्ण ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि सहरसा जिला को बाढ़ प्रभावित घोषित करें, जब तक बाढ़ घोषित नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, इसलिए हम संघर्ष करते रहेंगे। बार बार बिहार सरकार के द्वारा सहरसा के जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इससे पहले भी सहरसा के जनता के साथ अनदेखी किया गया। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, परिणाम जो भी हो। मैं सहरसा जिला के सत्तरकटैया प्रखंड अंतर्गत रकिया पंचायत के मोकना गांव में यहां अवस्थित हूं। आपको अभी ये दिख रहे हैं, ये हजारों एकड़ में लगी हुई सारी फसल जो बर्बाद हुई है उसी को देखने के लिए मैं यहाँ आया था, और किसानों की जब दर्द भरी बात को सुना तो मैं उनके साथ देखने उनके गांव और उसके खेतों तक आया हूँ। और देखने के बाद लग रहा है इनको खाने के लिए लानत पड़ जाएगा, अकाल भूखमरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम देख करके यहाँ से सरकार से आग्रह करते हैं कि सहरसा जिला और रकिया पंचायत समेत इस पूरे इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित करें और हर किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि उनका जीवन चल सके। और इसी बीच में हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से ये इन किसानों को देखिए, इनके आंसू को आप देख नहीं पाएंगे, जिनकी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गया है, इनकी लागत और इनकी मेहनत सारे पे पानी फिर गया है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पे संज्ञान लें और उचित मुआवजा दें। सहरसा से बलराम कुमार शर्मा की रिपोर्ट।